अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सो वी विल स्टार्ट नाउ सबअरेक्नॉइड हेमरेज, जो कि स्ट्रोक में से आखिरी टॉपिक होगा, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स रेस्ट ऑफ द सीएनएस. सो सबअरेक्नॉइड हेमरेज का नाम है काफी तवालिया, और नाम से भी पता चल रहा है कि वो हेमरेज जो एरेक्नॉइड के बाद, यानी एरेक्नॉइड सब एरेक्नॉइड स्पेस में बेसिकली होता है, जो एरेक्नॉइड मैटर के बाद वाली स्पेस होती है. सो अगर आपको याद हो तो ये अगर हमारे पास ब्रेन है हमारा, तो इसको सराउंड कर रही होती है तीन लेयर्स, ठीक है, मेनिंजीज, जिनको हम कहते हैं ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर. ठीक है, ये जो आपका एरेक्नॉइड मैटर है और ये पाया, इनके दरमियान में आपका सीएसएफ पड़ा हुआ होता है, ऐसे ही है ना. ठीक है, उसके अलावा आप लोगों ने तीन टर्म्स कई बार सुनी होंगी, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा, उसके अलावा आपने सब ड्यूरल हेमाटोमा एंड सब एरेक्नॉइड हेमरेज. ये तीनों टर्म्स हम लाइन वाइज कैरेक्टराइज करते हैं. लाइन वाइज किस तरह से, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा अगर हम कहते हैं लफ्ज, वैसे मैं यहाँ पर साथ बता रही हूँ, उसका मतलब होता है कि ये ड्यूरा मैटर है और यहाँ पर जाहिर है आपका स्कल आ जाएगा. इनके दरमियान में अगर यहाँ पर कोई ब्लड की कलेक्शन होती तो वो होता है एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा. ठीक है, ये अगर आपके पास ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड के दरमियान में आ जाता है हेमाटोमा, तो उसको हम कहते हैं सब ड्यूरल हेमाटोमा. ठीक है, तीसरी चीज होती है कि आप एरेक्नॉइड और पाया के दरमियान में हेमरेज आ जाए, यानी कि सीएसएफ में आ जाए, तो उसको कहते हैं सब एरेक्नॉइड हेमरेज, एसएएच, जो हमने अभी पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो बाहर से अंदर इस तरह याद रखेंगे तो चीजें याद रहेंगी, वरना कंफ्यूज होता जाएगा. एक ड्यूरा से बाहर, फिर ड्यूरा एरेक्नॉइड के दरमियान, एरेक्नॉइड और पाया के दरमियान. अच्छा, सब एरेक्नॉइड हेमरेज में जाहिर है नजर आ रहा है कि इसके दरमियान में आ जाते हैं. कॉज क्या होती है, कॉजेज इसकी जिस तरह हमने हेमरेजिक स्ट्रोक पढ़ा था ना, उससे मिलती जुलती ही होती है जाहिर है, क्योंकि हेमरेज हुआ, हेमरेज का मतलब है कोई ना कोई आर्टरी फट गई है. आर्टरी के फटने की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन कॉज है, दैट इज एनरिज्म, वो भी बेरीज एनरिज्म. अब बेरीज एनरिज्म अगर आपको याद हो, आपको पता है कि जो हमारे जाहिर है पूरी इस ब्रेन में आर्टरीज है, वो तीन ही मेन है, एंटीरियर सेरिब्रल, मिडल सेरिब्रल एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज. और उनका अगर आपको याद हो, हम लोगों ने पढ़ा था कि वो सारी एक मिलकर ऐसी फॉर्मेशन ही बनाती है, जो कि यूं एक सर्कुलर सा चीज बनती है, उसको कहते हैं हमने सर्कल ऑफ विलिस. ठीक है, बहुत रफ सा मैंने स्केच बनाया, मैं आपको दिखाती हूँ. सर्कल ऑफ विलिस बनता है, सर्कल ऑफ विलिस बेसिकली इन तीनों आर्टरीज की जो मिलके एक फॉर्मेशन बनती है ना, जो ब्रेन के अंदर, उसको कहते हैं. इसमें ये मोस्ट पोस्टीरियर जो होता है एरिया, ये वाला होता है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का, ये दरमियान वाला होता है मिडल सेरिब्रल, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है पीछे वाली, दरमियान वाली मिडल सेरिब्रल और आगे वाली एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी. ठीक है, और उन्हीं के साथ जो उनकी बीच में कम्युनिकेट जो कर रही होती है, उसमें एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आ जाती है, मिडल कम्युनिकेटिंग एंड पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, तो वो सारी बीच में कम्युनिकेट कर रही होती है. लेकिन ये जो सर्कल ऑफ विलिस है, ये बेसिकली आर्टरीज हैं जो कि ब्रेन की सारी ब्लड सप्लाई है, जो तीनों की तीनों मिलकर एक शक्ल बनाती है, उसको हमने कहा है सर्कल ऑफ विलिस. अब इस सर्कल ऑफ विलिस में सबसे कॉमन जो एनरिज्म है, एनरिज्म का क्या मतलब है, किसी भी आर्टरी में जो आउट डायलिटेशन सी बन जाती है ऐसे करके, ये चीज होती है एनरिज्म. ठीक है, किसी भी आर्टरी में अगर उसके वॉल में एक डायलिटेशन, एक आउट पाउचिंग बन जाएगी, तो उसके एनरिज्म कहते हैं. मोस्ट कॉमन एनरिज्म इज द सेक्युलर एनरिज्म और बेरीज एनरिज्म. ठीक है, तो सेक्युलर या बेरीज एनरिज्म वो एनरिज्म होता है जो इस सर्कल ऑफ विलिस में किसी भी जगह पर होगा, मतलब पर्टिकुलरली. अब सर एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज बड़ी है, वो सिर्फ इतनी सी नहीं है, लेकिन जो इनकी ये फॉर्मेशन बनती है, इसको सर्कल ऑफ विलिस कहते हैं. इस सर्कल ऑफ विलिस में ये जो एरिया है, इसमें कोई भी इसके एरिया में एनरिज्म होगा तो वो आपका बेरीज एनरिज्म कहलाता है, क्योंकि इट लुक्स लाइक जैसे एक बेरी लगी हुई होती है एक पतली सी स्टॉक पे, ऐसे उसकी शक्ल बनती है. बेरीज में जो मोस्ट कॉमन बेरीज एनरिज्म होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि जाहिर है इस सर्कल ऑफ विलिस में तो तीनों आर्टरीज आके मिला रही है ना, तो मोस्ट कॉमन सेक्युलर एनरिज्म कम्स इन एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी. ठीक है, ये वाला ए इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एसी, ये आपने नहीं भूलना. और उसके बाद फिर आपके पास आ जाती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, और तीसरे नंबर पे आती है मिडल कम्युनिकेटिंग. पहला इसमें है, दूसरा पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग में है, और तीसरा मिडल में है, तो ये आपने नहीं भूलनी बात. ठीक हो गया जी. अब हमारे पास जो सबसे कॉमन कॉज हमने कहा कि सब एरेक्नॉइड हेमरेज की, वो ये हो जाता है कि रप्चर हो जाए बेरीज एनरिज्म. फॉर एग्जाम्पल, किसी भी रीजन की वजह से यहाँ पर एनरिज्म बना हुआ था और वो रप्चर हो गया, इट लीड्स टू सब एरेक्नॉइड हेमरेज. ठीक है, अच्छा, अब वो रप्चर बना क्यों था, बनता वो वैसे भी बन सकता है बगैर किसी और चीज के, लेकिन ज्यादातर जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीजेस के पेशेंट्स होते हैं या फिर किसी और कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस के पेशेंट्स होते हैं, उनमें अक्सर एनरिज्म्स बन जाते हैं. क्योंकि आपको पता है कि एनरिज्म मीन डायलेशन ऑफ द आर्टरी आर्टीरियल वॉल, और डायलेशन ऑफ द आर्टीरियल वॉल तब हो जाएगी जब पेशेंट को कनेक्टिव टिश्यू डिजीज होगी, आउट पाउचिंग हो जाएगी और वॉल डायलेट हो जाएगी. मोस्ट कॉमन कॉज ये है. उसके बाद यू कैन हैव एवी मैलफॉर्मेशंस जो कि रप्चर कर देंगे आर्टरी को. एवी मैलफॉर्मेशंस में यू कैन हैव वैस्कुलाइटिस टाइप्स, और आपके पास और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं. ठीक है, लेकिन बहरहाल वो आपने एक ब्रॉड कैटेगरी याद करें, बस इतनी मोटी सी बात जरूर पड़ता होनी चाहिए. एमाइलाइड एंजियोपैथी भी हो सकती है, जिसके रिजल्ट में जिस तरह हमने कहा था हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है, उस तरह सब एरेक्नॉइड हेमरेज हो सकते हैं. अब आपको क्लिनिकल फीचर्स पेशेंट के किस तरह से आएंगे, प्रेजेंट करता है वो सडन ऑनसेट सवेयर हेडेक, इतना हेडेक सवेयर के जिसकी कोई हद नहीं, और मोस्ट प्रॉब्ली ऑक्सीपिटल रीजन में होता है. इस हेडेक को हम कहते हैं थंडर क्लैप हेडेक, क्योंकि जो सब हेमरेजिक स्ट्रोक है ना,
जो सिंपल हेमरेजिक स्ट्रोक है उसमें भी हेडेक होता है, लेकिन ये हेडेक इतना ज्यादा सिवेयर होता है कि पेशेंट से बर्दाश्त होता है, वो उल्टा सीधा हो रहा होता है, इतना सिवेयर होता है। ठीक है, ये वाला बहुत ज्यादा सिवेयर होगा और उसके साथ पेशेंट को वॉमिटिंग भी होगी, उसके साथ उसको हो सकता है कि वॉमिटिंग के साथ उसको इवन साइंस ऑफ मेनिंजिज्म होंगे। यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, साइंस ऑफ मेनिंजिज्म का मतलब है कि जिस तरह मेनिंजाइटिस के साइंस आते हैं ना, क्योंकि आप खुद देख लें कि यहाँ पर जो प्रेशर हो रहा है यानी कि जो ब्लड आ रहा है वो सीएसएफ में आ रहा है, सीएसएफ में ब्लड आएगा तो ये वाली जगह पर ज़ाहिर है सीएसएफ का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो साइंस ऑफ इंक्रीज आईसीपी भी आएंगे पेशेंट को। ठीक है, इंक्रीज आईसीपी के जो साइंस आते हैं क्या क्या होते हैं, हेडेक है, वॉमिटिंग है, ब्लर्ड विजन है, उसके साथ उसको हो सकता है कि डिलीरियम है, कंफ्यूजन है, रेज्ड आईसीपी के साइंस। उसके साथ पेशेंट को साइंस ऑफ मेनिंजिज्म भी आएंगे क्योंकि मेनिंजिस इरिटेट हो रही है, मेनिंजाइटिस जैसे साइंस आएंगे। और वो क्या होते हैं जी, नेक स्टिफनेस होगी इस पेशेंट को, साथ गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द होगा। ठीक है, और उसके साथ ब्रुडजिंस्कीज एंड कर्निक्स साइन पॉजिटिव होंगे। अभी ब्रुडजिंस्कीज और कर्निक्स मैं आपको पहले भी बहुत दफा बता चुकी हूँ, आपने अब इनको देख लेना। ठीक है, इसमें एक में नेक फ्लेक्शन सॉरी हिप और नी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन फिर करनी पड़ती है एक जगह पे आके, मतलब वो मैं डिटेल में नहीं जा रही, लेकिन ये होते हैं साइंस ऑफ मेनिंजिज्म, नेक स्टिफनेस, कर्निक्स एंड ब्रुडजिंस्कीज। तो ये आपने याद रखनी है। पेशेंट प्रेजेंट करेगा आपके पास सडन ऑनसेट सिवियर हेडेक है और उसके साथ उसको वॉमिटिंग है, उसके साथ उसको ये नेक स्टिफनेस है, ये तीन उसके क्लासिकल फीचर्स होते हैं। साइंस ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर आपको मिल सकते हैं, ब्लर्ड विजन वगैरह मिल सकती है। ठीक है, साइंस ऑफ उसको ये भी मिल सकते हैं, आपको मेनिंजिज्म मिल सकते हैं और जरूर मिलेंगे। ठीक है, होने चाहिए, हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को इतना ज्यादा हेडेक होता है और सडन ऑनसेट होता है कि साथ उसको कुछ देर के लिए लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो जाती है, तो अगर आपको कोई पेशेंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस साथ में ना तो भी उसमें आप सस्पेक्ट कर सकते हैं। आप एग्जामिन करेंगे पेशेंट को, लाइट से इरिटेशन होगी, खुद बहुत इरिटेबल होगा, उसको जो है ना कि बॉडी वीकनेस का कोई साइन, जैसे ना स्ट्रोक में नॉर्मली होता है कि बॉडी की एक साइड की वीकनेस हो जाती है, कोई एक साइड दूसरी तरफ की, वो यहाँ पर बहुत ही कम चांस है कि प्रेजेंट हो, क्योंकि सब एरेक्टोराइड स्पेस में हेमरेज है, वो मेनली आपका सीएसएफ का प्रेशर बढ़ा रहे हैं और ब्रेन पे प्रेशर डाल रहे हैं, उसकी वजह से किसी एक साइड की वीकनेस होना अनकॉमन है। ठीक है, इतना कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर हो सकता है कि अगर ये सब एरेक्टोराइड हेमरेज एक्सटेंड करके ब्रेन के भी किसी एरिया में हेमरेजिक स्ट्रोक भी कितना प्रेजेंट करता है, तो फिर आपको हो सकता है कि हेमीपेरिसिस हो पेशेंट को, वरना नहीं होता। कभी कभार ऐसा होता है कि प्रेशर इतना ज्यादा ऑक्सीपिटल रीजन की तरफ से पड़ता है कि जो थर्ड नर्व पाल्सी के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। थर्ड नर्व पाल्सी में आपको पता है कि आई विल मूव डाउन एंड आउट, जो आपकी ऑक्लोमोटर नर्व है उसका फंक्शन लूज हो जाएगा। इसी तरह फंडोस्कोपी करेंगे तो रेज इंटरक्रेनियल प्रेशर पे एडिमा मिलेगा, हो सकता है आपको सब हाईलाइट स्पेस में हेमरेज मिल जाए, आई के पीछे जो स्पेस होती है वहां पर भी हेमरेज नजर आ सकते हैं। तो ये सारी वो चीजें जो कि मिल सकती हैं, लेकिन क्लासिकल फीचर्स पेशेंट के शुरू वाली हैं। अब इसको हेमरेजिक स्ट्रोक से डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज्यादा आसान है, क्लिनिकली भी फर्क नजर आ जाता है अगर पेशेंट क्लासिकल सिम्टम्स ज्यादा आएगा तो। सब एरेक्नोइड हेमरेज में हमेशा साइंस ऑफ मेनिंजिज्म प्रेजेंट होंगे, नेक स्टिफनेस होगी, कर्निक साइन होगी और किसी एक साइड की बॉडी की वीकनेस नहीं होगी, जबकि हेमरेजिक स्ट्रोक में पेशेंट को बॉडी वीकनेस होगी और साइंस ऑफ मेनिंजिज्म नहीं होंगे। मोस्ट कॉमन तो ये डिफरेंस है। आपने इन्वेस्टिगेट क्या कराना है, आपने सबसे पहले सीटी स्कैन करना है। हमने बताया था कि सीटी स्कैन में कोई भी हेमरेज विद इन मिनट्स शो हो जाता है, आपको फौरन नजर आ जाएगा, बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, आप सीटी स्कैन कराएंगे आपको हेमरेज दिखेगा। ठीक है, हेमरेज कहां पर दिखते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक होगा तो फिर तो किसी एक पॉइंट पे, और मैंने आपको बताया था कि हेमरेजिक स्ट्रोक मोस्ट कॉमनली सेंट्रल एरिया में सीटी स्कैन में दिखता है ब्रेन के, मतलब ये ब्रेन का अगर सीटी स्कैन है तो जो सेंटर में आपके बेसल गैंग्लिया वाला एरिया होता है जिसमें यहाँ पर कॉर्डेट न्यूक्लियस है, इधर आपका थैलेमस है, ये आपका पुटामेन है और यहाँ इंटरनल कैप्सूल है, इन जगह पर आपको मेनली एरेक्नोइड जो है ना मिलता है। ठीक है, इस तरह से नहीं मिलेगा, मतलब एक डिफ्यूज सा हाइपर डेंस एरिया मिलेगा। मैंने आपको बताया था हेमरेजिक स्ट्रोक जब भी होता है हाइपर डेंसिटी होती है, ज्यादा व्हाइटिश कलर नजर आता है। ठीक है, ज्यादा व्हाइटिश आता है, हाइपर डेंस उसको हम कहते हैं। यही चीज अगर अब आपकी सब एरेक्नोइड हेमरेज होगा तो जाहिर है इसमें नजर आना है सब एरेक्नोइड एरियाज में जो हमें सीटी स्कैन पे नजर आएंगे। तो इस तरह का जो कोरोनल व्यू होता है उसमें ये नजर आएगा आपको, दरमियान में थोड़ा सा इधर या ऐसे छोटे छोटे जो जो जगह आपको नजर आती है ना, जो वेंट्रिकुलर एरियाज होते हैं वहां पर मिलेगा, कुछ यहाँ पर सेंटर में होता है, सिल्वियन फिशर में एक्सटेंड कर रहा होता है कुछ यहाँ पर। अब मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ, आपको ज्यादा आसानी से समझ आएगा, समझाती भी हूँ, लेकिन उसको आसान तरीके से डायग्नोज करने का तरीका ये होता है कि अगर किसी को कुछ और नहीं आता और जाहिर आप उन्होंने आपको एग्जाम में एक पैथोलॉजी दे दी है और उसमें उन्होंने आपको सीटी स्कैन दे दिए, ठीक है, सीटी स्कैन में आपको एक्स्ट्रा ड्यूरल और सब ड्यूरल हेमाटोमा नहीं मिला, वो तो बिल्कुल साइड पे होते हैं, आपको समझ आ जाती है बाहर की तरफ होते हैं, उसमें आपको कोई हाइपर डेंस हेमरेजिक स्ट्रोक नहीं मिला, आपको क्या मिले सीटी स्कैन में कि ओवरऑल बाकी सब ठीक नजर आ रहा है, मतलब जैसे ग्रे ग्रे ब्रेन होते हैं लेकिन आपको व्हाइट व्हाइट चमकती हुई कुछ चीजें इधर नजर आ रही है, दो व्हाइट चमकती हुई लाइनें इधर नजर आ रही है, दो तीन इधर नजर आ रही है, जिसका मतलब है कि ये है सब एरेक्नोइड हेमरेज। ठीक है, क्योंकि ये सारी जगह जहां जहां सीएसएफ होता है वहां वहां पर आपको हेमरेज की तरह नजर आता है।
तो आपने सीटी स्कैन कराया, सीटी स्कैन पे आपको नजर आ जाता है। तो सीटी स्कैन पे अगर आपको सब एरेटनॉइड हेमरेज मिलता है तो आप लंबर पंक्चर कराते हैं 12 आवर्स आफ्टर द सिम्टम ऑनसेट। जल्दी नहीं कराना होता है और ये जरूर रूल आउट करना होता है लंबर पंक्चर कराने से पहले कि बहुत ज्यादा इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज तो नहीं है, क्योंकि अगर रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर में आप लंबर पंक्चर कर देते हैं तो कोनिंग हो सकती है, नीचे आ जाएगा सारा ब्रेन मैटर और उससे पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो एलपी कराने 12 आवर्स आफ्टर कराएंगे सिम्टम ऑनसेट के, और क्या देखेंगे, ब्लड देखेंगे सीएसएफ में। ब्लड इन सीएसएफ इज कॉल्ड एज ज़ैंथोक्रोमिया, ठीक है, ये मिल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको मजीद थोड़ा सा चेक कर रहे हैं, आपने देखने कौन सी वेसल ने में से हेमरेज हुआ, तो आप जाहिर सेरेब्रल एंजियोग्राफी कराएंगे। इसमें क्या करते हैं, आप एक डाई इंजेक्ट करते हैं किसी पेरिफेरल वेन के थ्रू जो ब्रेन में जाती है, उसके बाद आप एक्सरेज लेते हैं तो वो डाई आपको नजर आती है, सीटी स्कैन लेते हैं या एक्सरे करते हैं तो ब्रेन का, तो वो आपको डाई जो है वेसल्स को प्रोमिनेंट करके दिखा देगी और जो वेसल में हेमरेज हुआ होगा वो आपको नजर आ जाएगा। तो ये आप कंफर्म करने के लिए वेसल टेरिटरी को ये सेरेब्रल एंजियोग्राफी करते हैं और सीटी स्कैन और लंबर पंक्चर आपको डायग्नोसिस को कंफर्म कराते हैं। मैनेजमेंट इस तरह से करनी है पेशेंट की कि सबसे पहले आपने उस वक्त पेशेंट को, क्योंकि जाहिर है अब हेमरेज तो हो गया, तो सबसे पहले आपने पेशेंट के मजीद ब्रेन के इस्कीमिया को होने से रोकना है, क्योंकि जब सबअरेटनॉइड हेमरेज होता है तो जो वेसल्स हैं वो स्पैज्म में चली जाती हैं। जब वेस्कुलर स्पैज्म होता है तो वो अगर स्पैज्म रहेगा तो पेशेंट को सबअरेटनॉइड हेमरेज के बाद सुपरसीडेड इस्कीमिक स्ट्रोक हो जाएगा। उस इस्कीमिक स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को नाइमोडिपीन देते हैं। नाइमोडिपीन इज अ टाइप ऑफ एंटी स्पाजमोडिक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कि बेसिकली वेसल्स के स्पैज्म को रिलीज करती है। शुरू में आप देनी है 2 हफ्ते के लिए 30 से 60 मिलीग्राम आईवी की डोज देंगे, ठीक है, 30-60 मिलीग्राम आईवी लाइन से देंगे तकरीबन पहले 14 दिन के लिए, और उसके बाद मजीद 1 हफ्ते के लिए 360 मिलीग्राम ओरली दे देंगे, ठीक हो गया। ये आपने डोज समेत याद करने, नहीं भी डोज याद रखेंगे तो इट्स फाइन, लेकिन नेमोडिपीन देंगे ये याद रखना है, नाम जरूर याद रखना, गलत नहीं कहना। अब उसके बाद हमने देखना है कॉज क्या थी। अगर कॉज कोई एनरिज्म हमें मिला है सीटी स्कैन पे, हमने जब सेरेब्रल एंजियोग्राफी कराया हमें कोई एनरिज्म नजर आया जो अभी भी बना हुआ है, तो एनरिज्म को अब हमने रिजोल्व करना है वरना दोबारा हेमरेज हो सकते हैं। उसके लिए एक तरीका तो ये होता है कि ये सपोज एनरिज्म बना हुआ है, हम जाते हैं एंडोस्कोपिकली और हम यहाँ पर एक क्लिप लगा देते हैं, क्लिपिंग करने से ये एनरिज्म यहाँ से उतर जाता है और खत्म हो जाता है, ठीक है, एक ही तरीका होता है क्लिपिंग। दूसरा तरीका ये होता है कि प्लेटिनम कॉयल हम लेके जाते हैं और ये क्लिप सपोज हमने नहीं लगाया, कॉयल लेके जाते हैं और कॉयल इसके बीच में ऐसे लेके जाके इसको रिमूव वो कर लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं, खींच लेते हैं, इस तरह भी एनरिज्म ठीक हो जाता है। प्लेटिनम कॉयल इज अ मोर गुड वे क्योंकि इसमें रिकरेंस के चांसेस बहुत कम है, क्लिपिंग में रिकरेंस हो जाती है, तो एनरिज्म को आपने इस तरह से ट्रीट करना है। अब अगर एनरिज्म नहीं था और एवी मैल फॉर्मेशन थी कोई पेशेंट की, आर्टेरियो वीनस मैल फॉर्मेशन थी, उसमें एक तरीका होता है कि आप डायरेक्टली बाकायदा न्यूरो सर्जिकल अप्रोच से पूरी उस जो भी मैल फॉर्मेशन है जहां आर्टरी और वेन खराब है उसको आप सर्जिकली रिमूव करें। ये बड़ी सर्जरी होती है, इतनी आसानी से नहीं कर सकता, मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी इसमें ज्यादा होती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप देखें कि कौन सी वेसल है जहां जिसका आर्टेरियो वीनस मैल फॉर्मेशन है, फिर आप देखें कि पीछे से कौन सी ब्लड वेसल है जो उसको ब्लड सप्लाई कर रही है, क्योंकि जाहिर है पहले ये आर्टरी एवी मैल फॉर्म्ड है इसका हमें कोई फायदा नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि पीछे से जो आर्टरी है जो इसको ब्लड सप्लाई कर रही है उसको हम इसके करीब करीब वाली जगह से लाइगेट कर देते हैं। लाइगेट कर देंगे तो ब्लड इसमें जाएगा नहीं और मजीद हेमरेजिक स्ट्रोक का चांस खत्म हो जाएगा, ठीक है, बहुत दूर से नहीं करते इसके करीब से करते हैं, तो लाइगेशन कर सकते हैं, या फिर हम कोई ऐसा मटीरियल इंजेक्ट कर देते हैं इस आर्टरी में जो यहां पर जाके इसको ऑक्लूड कर दे ताकि हेमरेज ना हो, तो ये चीजें हम करते हैं एवी मैल फॉर्मेशन के लिए। अब तो ये हमने कर दिया पेशेंट ट्रीट, दूसरा हमने काम करना है सबअरेटनॉइड हेमरेज की कॉम्प्लिकेशंस के लिए। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, सबसे पहली बात तो हो सकती है पेशेंट का ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफेलस, ठीक है, हाइड्रोकेफेलस क्योंकि जाहिर प्रेशर पहले इंक्रीज था इंट्राक्रैनियल प्रेशर, और अगर कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई कहीं पर रास्ता रुक गया तो ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफेलस होगा, उसके लिए आपको ड्रेनेज शंट डालना पड़ता है, ठीक है। शंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, डायरेक्ट पेरिटोनियम में आप डाल देते हैं, क्रेनियो पेरिटोनियल शंट वो सबसे ज्यादा डाला जाता है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो सीएसएफ है वो पेरिटोनियल कैविटी में आके ड्रेन होने लग जाए, तो ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफेलस को आपने ट्रीट करना है, ये उसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि पेशेंट को बाद में सेरेब्रल इस्कीमिया होने लग जाए, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि वेसल्स स्पैज्म में होती है, जिसके लिए आप नेमोडिपीन देते हैं। कई बार ऐसा होता है नेमोडिपीन देने के बावजूद भी पेशेंट का वेस्कुलर स्पैज्म ठीक नहीं हो रहा होता, तो आप मजीद वेजोडायलेटर ड्रग्स देंगे जो कि सूटेबल होंगी, जिनसे वेस्कुलर स्पैज्म ठीक होगा, ठीक है। पेशेंट को कई बार हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, सोडियम लेवल कम हो जाता है बॉडी में, तो उसमें हम सिंपल उसको कहते हैं कि फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करें ताकि बॉडी में, क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड की वजह से हाइपोनेट्रीमिया होता है ना, सोडियम की कमी की वजह से नहीं होता, हाइड्रोकेफेलस है फ्लूइड ओवरलोड है उससे हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन पेशेंट को पानी पीने से मना करते हैं और कम पानी इनटेक देते हैं ताकि उसका हाइपोनेट्रीमिया सेटल करे। और जो बाकी सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन है कि पेशेंट बेड रिडन है, उसको चेस्ट की कॉम्प्लिकेशन, कोई एस्पिरेशन नमोनिया है, वो सारी भी हमने डील करनी होती है, बेड सोर्स सेप्टिसीमिया वगैरह, ठीक है। तस्वीरें देख लेते हैं फिर बस करते हैं।
ये सबसे पहले आपका सर्कल ऑफ विलिस है, ठीक है, जो तीनों आर्टरी से मिलकर बनता है, और इसमें ये आपको नजर आ रही है इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है, क्योंकि ये आपकी इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है और इन दोनों के दरमियान में जो कम्युनिकेशन बनाती है इंटीरियर कम्युनिकेटिंग, और इसमें ये एनरिज्म बना हुआ है, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनरिज्म, ठीक है। फिर ये आपकी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है और यहाँ पर एनरिज्म बना हुआ है, तो ये आपका मिडिल सेरेब्रल आर्टरी एनरिज्म है। दिस इज योर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इसका एनरिज्म है, तो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एनरिज्म है, तो ये आपकी डिफरेंट तरह के एनरिज्म मैं बता रही हूँ कि मतलब ये रप्चर कर सकते हैं। सी इस तरह से आपको सब एरेक्नॉइड हेमरेज नजर आता है। अब आपको पता है नॉर्मल अगर ब्रेन की पिक्चर होगी ना तो ये जगहें एक्सट्रीमली हाइपर डेंस नहीं नजर आएंगी, जो इस वक्त आपको सारी मैं आपसे कही थी ना कुछ कुछ व्हाइट व्हाइट जगह आपको नजर आने लग जाती हैं, ये होगी ये व्हाइट जगह होगी, ये आपको नॉर्मली व्हाइट नहीं नजर आती, तो अब ये आपको व्हाइट या हाइपर डेंस नजर आती है, सब एरेक्नॉइड हेमरेज की पिक्चर है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस इज सब एरेक्नॉइड सिस्टर्न, यहाँ पर भी ब्लड आ गया और इधर से ये सिल्वियन फिशर्स में जा रहे हैं जैसे मैं बता रही थी, ठीक है। उसके साथ आप ये देखें कि ये भी इंट्रा वेंट्रिकुलर यानी आपका वेंट्रिकल है और यहाँ पर भी ब्लड यानी व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है। अब सी है आपको फिर से एक दफा डिफरेंस दिखाया है, ये अब नॉर्मल देखें, नॉर्मल में सेंट्रल एरिया कितना ब्लैक है, दिस इज हाइपोडेंस, जितनी चीज ब्लैकिश की तरफ जाती है जो एरो जिसको पॉइंट किया हुआ ये हाइपोडेंस है, ये आपका सबएरेक्नॉइड स्पेस और वही वाला जिसको उस वक्त मैंने कहा था सिस्टर्न, ये वो जगह है, ठीक है। अब इस जगह पर आप देखेंगे सब व्हाइट से भर गया और ये व्हाइटिश चीज जब राइट साइड पे एक्सटेंड करती है इसका मतलब है कि सिल्वियन फिशर में एक्सटेंड करके जा रहे हैं, यहां पर भी आ गया ब्लड, इधर इधर नीचे की तरफ भी आपको ब्लड इसमें भी नजर आ रहे हैं वेंट्रिकल में, तो ये सब आपका आ गया साइंस ऑफ सब एरेक्नॉइड हेमरेज, ठीक है। तो यहां पर बात खत्म करते हैं, किसी कोई मसला हो क्या, थैंक यू।